चाद्वादनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। अपन कर रहे चालू एक दो मिनट में। वीतराग विज्ञान पाठमाला तीन के माध्यम से भाग तीन है और उसका आठवें नंबर का चैप्टर है जो हम कई दिनों से देख रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है निश्चय और व्यवहार का। हमने सबसे पहले तो नयों का स्वरूप समझा क्योंकि बिना नई के हम निश्चय और व्यवहार नहीं समझ पाएंगे क्योंकि निश्चय और व्यवहार ही नई के भेद है। हमने देखा था कि अध्यात्म के दो मूल नये निश्चय नई और व्यवहार हुए और आगम के दो मूल नई द्रव्यार्थिक नई और पर्यायार्थिक नई। नई जो होते हैं वो वाणी में और ज्ञान में लागू पड़ते हैं। किसी द्रव्य का नाम किसी पर्याय का नाम किसी क्रिया का नाम कोई परिस्थिति का नाम कोई घटना का नाम नई नई है उसमें नई नहीं लगते हैं। नई माने वस्तु को देखने के दो एंगल है वस्तु को देखने का जो एंगल है उसे नई कहते हैं और उसे दो में विभाजित किया निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। एक आप मूल मेन एक एक परिभाषा आप ऑलवेज ध्यान में रखना ऑलवेज ध्यान में कि वस्तु को उसके स्वरूप से देखना वस्तु को उसके स्वरूप से निरूपण करना देखना निरूपण करना ये निश्चय नहीं और उसको ही अन्य रूप से वर्णन करना अन्य रूप से वर्णन करना ये व्यवहार नहीं है। क्या कह दिया फिर से मैं बोलती हूँ श्रद्धा आंटी शीतल बहन श्रद्धा बहन विभा आंटी भानु आंटी है ना ख्याल आ रहा है आपको आत्मी बेटा ये जो 9721 नंबर से जुड़े हैं आंटी क्या नाम है आपका आवाज नहीं आ रही आपकी आप रोज आते हैं आंटी संगीता संगीता आंटी बहुत बढ़िया कोई बात नहीं चलो आवाज आ रही है आपकी। एक ही वस्तु को देखने के दो एंगल है एक ही वस्तु को देखने के दो एंगल है वस्तु एक परंतु देखने के एंगल कितने हैं दो है। उसी वस्तु को उसके स्वरूप से देखना ये कौन से नई का कथन हो गया निश्चय नई का कथन हुआ। उसी एंगल से उसके स्वरूप से देखना कहना जानना ये निश्चय नई और उसी वस्तु को संयोग के आधार से निमित्त के आधार से पर के आधार से उस वस्तु को देखना जानना कहना ये व्यवहार नहीं का कथन। क्या कह दिया मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूं वस्तु एक परंतु देखने के नजरिया दो एक ही वस्तु को उसके स्वरूप से देखना ख्याल आ रहा है उसके स्वरूप से देखना उसका जैसा स्वरूप है वैसा कहना ये निश्चय नहीं का कथन उसके स्वरूप से देखना ये निश्चय नहीं का कथन है। और उसी वस्तु को संयोग की अपेक्षा से निमित्त की अपेक्षा से उसको कहना उसको जानना उसको देखना ये व्यवहार नहीं का कथन है। ये आप एकदम दिमाग में बिठा देना निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं ख्याल है ये पहले तो एकदम ये पक्का कर कि निश्चय नहीं किसे कहते और व्यवहार नहीं किसे कहते हैं। अब हमने एक देखा था प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध
हम थोड़ा फिर से एक बार रिवीजन के माध्यम से मैं आपको वापस एक बार वो चीज पक्की करा रही हूं कि व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं के बीच में प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है। व्यवहार नहीं है प्रतिपादक, प्रतिपादन करने वाला, और निश्चय नहीं है प्रतिपाद्य जिसका प्रतिपादन किया जाता है। और दूसरा संबंध जो बताया, दूसरा संबंध निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं के बीच में निषेधक और निषेध्य संबंध है। निश्चय नहीं है निषेधक और व्यवहार नहीं है निषेध्य जिसका निषेध किया जाता है। अब एक एग्जांपल से आप समझो, जब मैंने कहा कि भाई घी का घड़ा, तो घी का घड़ा ऐसा कहने पर हमें घी का ज्ञान हुआ, घी का ज्ञान हुआ, घी तक हम पहुंचे, घड़े के अंदर रखा घी उसका ज्ञान हुआ, तो ये हमने क्या किया, व्यवहार नहीं के द्वारा हमने परमार्थ का प्रतिपादन किया। ठीक है, पहला संबंध समझ में आ गया, घी का घड़ा कहने से हम व्यवहार से कहां तक पहुंचे, परमार्थ तक पहुंचे, घी के घड़े तक पहुंच गए। अब घड़ा घी का नहीं है, घड़ा मिट्टी का है। जब ऐसा ज्ञान में जाना, ऐसा ज्ञान में जाना, तो निश्चय नहीं, ये निश्चय नहीं का कथन है, घी का घड़ा ऐसा कहना ये निश्चय नहीं का कथन है, तो निश्चय नहीं ने क्या कर दिया, व्यवहार का निषेध कर। इसलिए निश्चय नहीं है निषेध और व्यवहार नहीं है निषेध्य। एग्जाम्पल में आपको एकदम समझ में आ गया, एग्जाम्पल में घी का घड़ा कहने से क्या हुआ, हम घी के घड़े तक पहुंचे, परमार्थ तक पहुंचे, और ज्ञान में हमने उसी समय जान लिया कि घड़ा घी का नहीं है, घड़ा तो मिट्टी का है, तो निश्चय ने क्या कर दिया, व्यवहार का निषेध कर। क्लियर, बराबर, इतना समझ में आ गया, बराबर, एकदम क्लियर। जैसे हमने तीन वाक्य कहे थे, तीन वाक्य कौन से, तीन वाक्य कि भाई संयोग से असहयोगी का कथन, संयोग से असहयोगी का कथन, मनुष्य वाला जीव कहना, मनुष्य जीव कहना, तो ये क्या कर दिया, व्यवहार ने परमार्थ को बताया, मनुष्य जीव, मनुष्य जीव कहकर जीव को बताया, परंतु जीव मनुष्य नहीं है, जीव तो जानने देखने वाला है, उपयोगमयी है, तो ये क्या कर दिया, निश्चय ने व्यवहार का निषेध कर। ठीक है, एक एक ही इसमें, फिर दूसरा, ज्ञान वाला दर्शन वाला चारित्र वाला आत्मा ऐसा कहकर व्यवहार ने परमार्थ तक पहुंचाया, अभेद आत्मा को बताया, परंतु भाई मैं भेद स्वरूप नहीं हूं, मैं तो अभेद हूं, मैं तो अखंड हूं, मैं तो अभेद अभेद तत्व हूं, अखंड तत्व हूं, तो निश्चय ने क्या कर दिया, व्यवहार का निषेध कर। ये मैं समझा रही हूँ आपको, संबंध, संबंध में समझा रही हूँ कैसे वो प्रतिपाद्य प्रतिपादक और निषेध्य निषेधक संबंध घटित होता है। शुभ भाव को मोक्ष मार्ग कहा, तो शुभ भाव के द्वारा हमने वितराग परिणाम का ज्ञान किया, वितराग परिणाम का ज्ञान किया ना, तो क्या हुआ, व्यवहार नहीं ने परमार्थ को बताया, परमार्थ को बताया, परंतु हमने जब ज्ञान में जान लिया कि भाई शुभ भाव खरेखर मोक्ष नहीं, मोक्ष का कारण नहीं है, तो ये क्या व्यवहार का निषेध है, परमार्थ तक पहुंचाए, ये व्यवहार नहीं की उपयोगिता है, व्यवहार नहीं की उपयोगिता यही है कि वो परमार्थ तक पहुंचा। हाँ,
यही भाई प्रश्न है आपका। नहीं प्रश्न नहीं, बीच में आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई थी आपकी, इसलिए बानो आंटी ने सबने बोला आप रिपीट करना, तो बीच में 2 मिनट आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी आपके नेटवर्क के कारण। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी बीच में, तो फिर से आप थोड़ा रिपीट करना, 2 मिनट आपका ब्रेक हो गया था। अच्छा, व्यवहार नहीं की सार्थकता, व्यवहार नहीं की सार्थकता क्या है कि निश्चय तक पहुंचावे, परमार्थ तक पहुंचावे, यही व्यवहार नहीं की उपयोगिता है, यही व्यवहार नहीं की सार्थकता है कि जो परमार्थ तक पहुंचावे। ठीक है, इतना आपको पूरा क्लियर हुआ कि व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं के बीच में जो दो संबंध कैसे घटित होते हैं, हमने उदाहरण के माध्यम से समझा। फिर हमने देखा था, मैंने कल एक बात बताई थी कि व्यवहार नहीं कथनचित भूतार्थ है और कथनचित अभूतार्थ है, अगर आपको याद हो तो। कल हमने ये देखा था ना कि व्यवहार नहीं कथनचित भूतार्थ और कथनचित अभूतार्थ। तो जब व्यवहार नहीं को कथनचित अभूतार्थ कहा, कथनचित का अर्थ होता है किसी अपेक्षा से, व्यवहार नहीं को किसी अपेक्षा से अभूतार्थ का, किसकी अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, व्यवहार नहीं अभूतार्थ है निश्चय की अपेक्षा से। जो हमने परिभाषाएं पढ़ी ना, व्यवहार नहीं असत्यार्थ है, व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, बराबर, ये जो हमने सारी परिभाषा पढ़ी, तो निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार नहीं असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, बराबर। परंतु व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं कैसा है, तो कहते कथनचित भूतार्थ, कथनचित भूतार्थ। क्योंकि जब हम ऐसा कहते हैं कि जीव उपयोग लक्षण वाला, जीव उपयोग लक्षण वाला, ये निश्चय नहीं का कथन है, और उसी समय हम कहते हैं कि शरीर वाला जीव, शरीर वाला जीव, बोलो ये दोनों वाक्य में आपको कौन सा वाक्य परमार्थ लग रहा है, वास्तव में लग रहा है, सच्चा कौन लग रहा है, बोलो, उपयोग लक्षण वाला के शरीर वाला, बोलो, उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण वाला, भानु आंटी ख्याल है ना, उपयोग लक्षण वाला। तो बोलो निश्चय की अपेक्षा से ये व्यवहार क्या है, तो कहते हैं अभूतार्थ, निश्चय की अपेक्षा से अभूतार्थ है, समझना, इसलिए व्यवहार नहीं को कथनचित अभूतार्थ का, निश्चय की अपेक्षा। परंतु कथनचित भूतार्थ क्यों है, क्योंकि संसार अपेक्षा में अभी देखे, संयोग की अपेक्षा से देखे, तो बोलो आत्मा अभी शरीर वाला है कि नहीं, है ना, है, इसलिए कथनचित भूतार्थ। कल ही कहा था कि व्यवहार नहीं का विषय है, विषय है, अभी शरीर है, संयोग है, इसलिए व्यवहार नहीं का, व्यवहार नहीं कथनचित भूतार्थ है, संयोग में शरीर है, बोलो, इसीलिए व्यवहार नहीं कथनचित कैसा है, भूतार्थ। और कथनचित अभूतार्थ क्यों, क्योंकि निश्चय की अपेक्षा से वो अभूतार्थ, झूठा है, असत्यार्थ है, क्योंकि खरेखर मेरा स्वरूप ये शरीर वाला नहीं है, मैं उपयोग लक्षण वाला, ज्ञान लक्षण वाला, चैतन्य लक्षण वाला, वो मेरा स्वरूप है, बराबर। ये कथनचित अभूतार्थ और कथनचित भूतार्थ का मैंने खुलासा कर दिया कि भाई निश्चय नहीं के सामने की अपेक्षा से व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहा, व्यवहार नहीं को अभूतार्थ क्यों कहा, निश्चय की अपेक्षा से, परंतु उसका विषय है, इसलिए व्यवहार नहीं कथनचित भूतार्थ भी है। क्योंकि अगर आप व्यवहार नहीं को सर्वथा सर्वथा अभूतार्थ मान लोगे, सर्वथा अभूतार्थ, तो ये कुछ भी सिद्ध नहीं होगा, ना शरीर सिद्ध होगा, ना ये गुणस्थान सिद्ध होंगे, ना संसार सिद्ध होगा, ना राग सिद्ध होगा, कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं कब है सत्या, किसी अपेक्षा से वो भाई भूतार्थ है, सत्यार्थ है, क्यों, क्योंकि उसका विषय मौजूद, और निश्चय की अपेक्षा से वो कैसा है, अभूतार्थ। ठीक है ना, ये कल जो बात की थी उसकी मैंने और स्पष्टता कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो व्यवहार नहीं का क्षेत्र बहुत बड़ा है, व्यवहार नहीं का क्षेत्र बहुत बड़ा है, और कल ही कहा था कि जिनागम में 99.99% कथन व्यवहार नहीं के ही आते हैं। अब यहाँ पे अपन प्रश्नों के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि भाई व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं जो गुमानी राम जी ने, खरेखर तो गुमानी राम जी माने जो उनके पुत्र है, उन्होंने ऐसे प्रश्न नहीं किए हैं, परंतु दादा ने ये पूरा चैप्टर संवाद के रूप में लिखा है। गुमानी राम जी और पंडित टोडरमल जी ऐसे दो पात्र को रखा और उन्होंने ऐसे संवाद के रूप में ये पूरा चैप्टर लिखा है। गुमानी राम जी उनके पुत्र
थे और ऐसा उनको नाम दिया गया है बराबर, और पंडित टोडरमल जी ने ऐसा ऐसे जवाब दिए है। सातवां अधिकार में भी हमने देखे है उभयवासी के प्रकरण में पंडित जी ने प्रश्न किए हैं, वही प्रश्न यहाँ पे रिपीट किए हैं। क्या क्या प्रश्न है? सबसे पहला प्रश्न हमने कल देखा था कि भाई गुमानी राम जी ने प्रश्न किया कि क्या मुक्ति का मार्ग दो है, क्या मुक्ति का मार्ग दो है, दो है मुक्ति का मार्ग दो है, तो कहते कि नहीं मुक्ति का मार्ग दो नहीं है, मुक्ति मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है परंतु उसका निरूपण कितने प्रकार से होता है, तो कहते दो प्रकार से, निरूपण दो प्रकार से, मार्ग दो नहीं है, मार्ग तो एक ही है ठीक है, परंतु उसका निरूपण कितने प्रकार से, दो प्रकार से। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो सच्चा मोक्ष मार्ग है, वो वास्तविक मोक्ष मार्ग, ऐसा जानना ऐसा कहना ये क्या है, तो कहते ये निश्चय मोक्ष मार्ग, और उसके साथ भूमि का अनुसार रहने वाले व्रतशील संयम आदि जो शुभ भाव है, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, सात तत्व का विकल, वेद रूप विकल, उसे मोक्ष मार्ग कहना, उसे मोक्ष मार्ग जानना, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग। कथन दो प्रकार से है, मार्ग दो नहीं, मार्ग तो एक ही है, ये प्रश्न का खुलासा हमने कल किया था कि तीन क्रियाएं देखी थी ना हमने, एक तो जड़ की क्रिया, एक शुभ भाव की क्रिया और एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की क्रिया। जड़ की क्रिया से ना बंद होता है ना मोक्ष होता है, शुभ भाव खरेखर बंद का कारण है, पुण्य बंद का कारण, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो ही मोक्ष मार्ग है, और उसे मोक्ष मार्ग कहना, उसे मोक्ष मार्ग जानना, ये निश्चय मोक्ष मार्ग, और उसके साथ रहने वाला ये देव शास्त्र गुरु के श्रद्धा का जो भाव है, जो विकल्प है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहना, ये क्या है, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्लियर? पहला प्रश्न एकदम आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोग को, पहला प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न हमने देखा था कि सिद्ध समान आत्मा का अनुभव करना सो निश्चय और व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति करना सो व्यवहार, बराबर ये प्रश्न किया है गुम्मानी राम जी। तो अब पंडित जी उसका समाधान करते हैं कि देखो पंडित माने गुम्मानी राम जी ने कहा समय सार में बहुत जगह पे ऐसे कथन आए हैं, बहुत जगह पे समय सार की टीकाओं में, समय सार की गाथाओं में, टीकाओं में ऐसे ऐसे भाई अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा जो लिखित टीका है तो ऐसे कथन आए हैं ठीक है ना, कि भाई शुद्ध नहीं से आत्मा को देखो, वही जिन शासन है जैन शासन है, तो ऐसे कथन आते हैं समय सार में आए हैं कि सिद्ध समान आत्मा का अनुभव सो निश्चय और व्रतशील संयम आदि वो व्यवहार, व्रतशील संयम आदि की प्रवृत्ति सो व्यवहार। तो पंडित जी उसके लिए खुलासा करें, देखो कोई पर्टिकुलर गाथा नहीं है, कोई पर्टिकुलर गाथा का यहाँ पे कोई बताया नहीं है, समय सार में ऐसे कथन आए हैं, जगह जगह पर ऐसे कथन आए हैं ठीक है, उसमें से उन्होंने एक कथन को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कह दिया कि ऐसा ऐसे कथन तो आते हैं सिद्ध समान आत्मा का अनुभव सो निश्चय। तो पंडित जी ने कहा कि कोई परिणति का नाम, कोई अनुभूति की पर्याय का नाम निश्चय या व्यवहार नहीं है, तो फिर निश्चय व्यवहार किसका नाम है, सिद्ध समान आत्मा का अनुभव यही वास्तव में मोक्ष मार्ग है, यही वास्तव में मोक्ष मार्ग है, ऐसा जानना ऐसा कहना ये परिणति यही वास्तव में मोक्ष मार्ग है, ऐसा जानना ऐसा कहना इसका नाम निश्चय मोक्ष मार्ग ठीक है ना, ये खुलासा कर दिया। परंतु हम बहुत बार शॉर्टकट में ऐसा बोल देते हैं कि सिद्ध समान आत्मा का अनुभव सो निश्चय, परंतु निश्चय कोई परिणति का नाम निश्चय तो नहीं है, ये पहले ही अपन ने खुलासा कर दिया, तो फिर हम निश्चय नहीं कैसे घटित करेंगे,
कि सिद्ध समान पूरा वाक्य कैसे बनाएंगे, सिद्ध समान आत्मा का अनुभव करना ये वास्तव में मोक्ष मार्ग है, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहना ऐसा जानना इसका नाम निश्चय मोक्ष मार्ग। ये पूरा वाक्य मैंने बोला निश्चय नहीं का वाक्य। और फिर कहा कि व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति, व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति, तो ये प्रवृत्ति करना सो व्यवहार, तो बता दिया कि भाई कोई प्रवृत्ति का नाम, कोई क्रिया का नाम, कोई जड़ की क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है, तो फिर व्यवहार किसका नाम, व्यवहार नहीं किसे कहें, तो व्रतशील संयम आदि को उपचार से मोक्ष मार्ग कहना, उसके ऊपर मोक्ष मार्ग का आरोप देना मार्ग कहना, इसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्लियर बराबर, क्या आपको इतना समझ में आ गया? शीतल बहन, आत्मी बहन बोलिए, ज्योति बहन, भानु आंटी, ख्याल आ रहा आपको? सिद्ध समान आत्मा का अनुभव कहना, ऐसा कहना वास्तव में मोक्ष मार्ग है, ऐसा जानना ये निश्चय मोक्ष मार्ग। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है, बीच में बंद हो गई थी। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है, लेकिन अपन वीडियो बंद कर, वीडियो बंद कर। हमने खुलासा किया, दूसरे प्रश्न का खुलासा किया, क्या खुलासा किया एक बार फिर से, कि सिद्ध समान आत्मा का अनुभव को निश्चय नहीं है और रचिल संयम आदि की प्रवृत्ति को व्यवहार नहीं है, परंतु सिद्ध समान आत्मा का अनुभव ये वास्तव में मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहना या जानना ये निश्चय मोक्ष मार्ग, और व्रतशील संयम आदि की प्रवृत्ति उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहना या जानना ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। बराबर, क्योंकि नई वाणी हमने नेटवर्क प्रॉब्लम लगे थे, मैं नेटवर्क एरिया में ही बैठी हूँ, परंतु आज वापस जा रहा है और आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अभी हो रही है वापस, आवाज आ रही है? ओके, अब हम जाके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न किया है कि श्रद्धान निश्चय का और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखना, श्रद्धान निश्चय का और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखना, तो फिर यहाँ पे भाई पंडित जी ने खुलासा किया, क्या खुलासा किया, कि अगर श्रद्धान एक का रखेंगे ना तो एकांत का दोष आ जाएगा, अगर श्रद्धान आप एक का रखोगे तो फिर मिथ्यात्व का दोष आएगा, एकांत का दोष आएगा। श्रद्धान तो दोनों का रखना है, दोनों की श्रद्धा करनी है, कैसे दोनों की श्रद्धा करनी, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि निश्चय को निश्चय रूप श्रद्धान करना, निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना। मैं शांति से आपको समझा रही हूँ ये प्रश्न, क्या कह दिया फिर से, निश्चय को निश्चय रूप श्रद्धान करना, निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना। माने निश्चय नहीं जो प्रतिपादन करता है, निश्चय नहीं जो प्रतिपादन करता है वास्तव में वैसा ही स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा जानकर उसका श्रद्धान करना ये सत्यार्थ निरूपण है, ये सत्यार्थ कथन है, ये सत्यार्थ निरूपण करता है निश्चय नहीं, तो उसको तो अंगीकार करना, उसकी तो श्रद्धा करना, समझना, और व्यवहार नहीं जो कथन करता है वो असत्यार्थ कथन करता है। क्यों? क्योंकि हमने ये तीन वाक्य पहले ही परिभाषा में पढ़े कि व्यवहार नहीं क्या करता है, स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर निरूपण करता है,
और उनके भावों को मिलाकर निरूपण करता है। और तीसरा वाक्य हमने देखा था कि उनके कारण कार्यादिक को मिलाकर निरूपण करता है। ये तीन वाक्य आपको व्यवहार नय के लिए याद रखने हैं। तीन वाक्य व्यवहार नय क्या काम करता है, स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर निरूपण करता है। स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर निरूपण करना माने क्या, तो कहते हैं कि मनुष्य जीव असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप कथन करना, असमान जाति द्रव्य पर्याय का कथन करना। असमान जाति द्रव्य पर्याय माने क्या, दो भिन्न भिन्न द्रव्य है, जीव और पुद्गल, ये असमान जाति वाले द्रव्य है दो, और उनकी पर्याय को मिलाकर निरूपण करता है। असमान जाति द्रव्य पर्याय का कथन करता है, इसीलिए व्यवहार नहीं असत्यार्थ कथन करता है। असत्यार्थ पहला कह दिया, स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर निरूपण करता है। पंचेंद्रिय जीव, त्रस जीव, मनुष्य जीव, ये क्या कर दिया, स्वद्रव्य और परद्रव्य को मिलाकर निरूपण किया। दूसरा कथन, दूसरा व्यवहार ने कहा, उनके भावों को मिलाकर निरूपण करता है। उनके भावों को माने पुद्गल के भावों को जीव का कहता है, पुद्गल के भावों को। मैं बोलता हूं, बोलो, ये बोलने का जो भाव है, गुण है, वो किसका है, वो तो पुद्गल का है। बोलने का जो भाव है, जो गुण है, वो पुद्गल का है। और व्यवहार ने कथन क्या करता है, मैं बोलता, तो उनके भावों को मिलाया, स्व और परद्रव्य के भावों को मिलाया, मैं बोलता हूं, ठीक है ना। और उनके कारण कार्यादिक को मिलाकर निरूपण करता है। कारण कार्यादिक को मिलाकर निरूपण करना माने क्या, कारण कार्यादिक को मिलाकर निरूपण करना माने मुझे शास्त्र से ज्ञान हुआ। तो ज्ञान तो आत्मा से होता है, और कहते हैं शास्त्र से ज्ञान हुआ, तो ये शास्त्र से ज्ञान हुआ ऐसा कहना, ये व्यवहार ने का कथन। तो ये व्यवहार ने क्या कथन किया, असत्यार्थ कथन किया। बराबर, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, तो असत्यार्थ कथन करता है ना, इसीलिए क्या करना चाहिए, तो कहा कि व्यवहार नहीं का श्रद्धान छोड़ो। व्यवहार ने का श्रद्धान माने जैसा व्यवहार नहीं है वैसा उसको समझो, उसको जानो, उसका नाम ही व्यवहार ने का श्रद्धान करना। ये वास्तव में ऐसा नहीं है, ऐसा जानना ही व्यवहार ने का श्रद्धान। वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, ऐसा जानना ही व्यवहार ने का श्रद्धान है। क्या कह दिया, दोनों का श्रद्धान करो, दोनों का निश्चय ने का श्रद्धान करो माने क्या, वस्तु स्वरूप वास्तव में ऐसा है, ऐसा जानकर उसका श्रद्धान करना। और व्यवहार ने जैसा कहता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है ऐसा जाना, ये ही व्यवहार ने का श्रद्धान, ख्याल आ रहा है। और दूसरे शब्द में कहे व्यवहार ने का श्रद्धान दूसरे शब्द में कहे तो व्यवहार ने का श्रद्धान छोड़ो। क्यों व्यवहार ने का श्रद्धान छोड़ो, क्योंकि व्यवहार नहीं सत्यार्थ कथन नहीं करता है। व्यवहार ने क्या नहीं करता है, सत्यार्थ कथन नहीं करता है, ख्याल आ रहा है, असत्यार्थ कथन करता है। इसलिए व्यवहार ने का श्रद्धान क्या कर दिया, छोड़ने के लिए कह दिया। ख्याल आ रहा है आप लोगों को, क्या कह दिया, फिर से दोनों नयों का श्रद्धान करने के लिए कहा। कैसे करोगे पूजा बहन, कैसे करेंगे हम दोनों नयों का श्रद्धान, भाई ये निश्चय नहीं, जैसा कहता है वैसा ही स्वरूप, वास्तव में वैसा स्वरूप है, इसलिए ऐसा जानकर उसकी श्रद्धा करो। बराबर, और व्यवहार ने जैसा कहता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, बस ऐसा जाना, यही व्यवहार ने की श्रद्धा करना है, यही व्यवहार ने की श्रद्धा करना है, वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। हम दूसरी भाषा में कहें ना, और सरल कर देते हैं कि व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना, यही व्यवहार ने की श्रद्धा है। व्यवहार को सत्यार्थ नहीं मानना, व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना, यही व्यवहार ने की श्रद्धा करना है, ठीक है ना। व्यवहार ने की श्रद्धा करना माने क्या, व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना, यही व्यवहार ने की श्रद्धा करना है। और निश्चयी
जैसा कथन करता है वैसा ही वस्तु का स्वरूप है ऐसा जानकर उसकी श्रद्धा करना, यही निश्चय नहीं की श्रद्धा करना है। बराबर की नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? व्यवहार नहीं की श्रद्धा छोड़ना माने क्या? व्यवहार नहीं की श्रद्धा छोड़ना माने व्यवहार नहीं जैसा कहता है वैसा। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। ये थोड़ा नहीं चक्र है ना, थोड़ा जटिल है, एकदम तरत तुरंत ही गले नहीं उतरता है भाई, थोड़ा सा विषय जटिल है, इसको एक बार थोड़ा उपयोग की सूक्ष्मता करके इसको समझना पड़ेगा। ये अलग अलग प्रकार से हम इसका निरूपण करते हैं ना, तो इसका अर्थ भाव भाव आप समझो, इसका इसके पीछे का आशय समझो। जब हम कहते हैं व्यवहार नहीं कि श्रद्धा करो माने क्या, अब इसी श्रद्धा करो माने क्या, व्यवहार नहीं भाई जैसा कहता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है बस ऐसा जाना, यही व्यवहार नहीं की श्रद्धा करना है। यही क्या है? व्यवहार नहीं की श्रद्धा करना है। बराबर। और व्यवहार नहीं की श्रद्धा दूसरे शब्द में कह के व्यवहार नहीं की श्रद्धा छोड़ो माने क्या, व्यवहार नहीं की श्रद्धा छोड़ो माने क्या, व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना यही व्यवहार नहीं की श्रद्धा छोड़ो, व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना यही क्या कर दिया, व्यवहार नहीं को छोड़, व्यवहार नहीं का त्याग कर दिया, व्यवहार को व्यवहार रूप जानना यही व्यवहार नहीं की श्रद्धा हमने की, और व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना ये भी व्यवहार नहीं की श्रद्धा, ये व्यवहार नहीं की श्रद्धा, परमार्थ नहीं मानना बस उसको सत्यार्थ नहीं मानो, क्योंकि व्यवहार नहीं क्या करता है, उच्चरित कथन करता है भाई, मिलावटी कथन करता है, ठीक है ना, मिलाकर कथन करता है, तो ये व्यवहार नहीं का काम है। ये यहाँ पे प्रश्न किया ना कि श्रद्धा निश्चय का रखना, श्रद्धा निश्चय का मात्र नहीं, श्रद्धा दोनों का रखना, दोनों का रखना, कैसे? निश्चय नहीं जैसा कहता है वैसा ही वस्तु का स्वरूप है ऐसा जानकर निश्चय की श्रद्धा करना, और व्यवहार जैसा कहता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है ऐसा जानकर व्यवहार की श्रद्धा करो। माने दूसरे शब्द में कहे तो क्या कहेंगे कि व्यवहार को परमार्थ नहीं जानना यही व्यवहार नहीं को ग्रहण करना है, व्यवहार नहीं की श्रद्धा करना, व्यवहार को परमार्थ नहीं मानो, ठीक है ना, व्यवहार को परमार्थ नहीं मानो यही व्यवहार नहीं की श्रद्धा है। आगे बढ़े हम, आगे जाते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न किया है, फिर आगे कहा कि प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखना, तो बोलो प्रवृत्ति में व्यवहार नहीं लगता है कि नहीं, तो कहते प्रवृत्ति में व्यवहार नहीं नहीं लगता है, कोई प्रवृत्ति का नाम व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं कोई प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने क्रिया, कोई क्रिया का नाम व्यवहार नहीं नहीं है, व्यवहार नहीं किसका नाम है, व्यवहार नहीं किसका नाम है, उस क्रिया को उस रूप नहीं कहकर उस क्रिया को अन्य द्रव्य की कहना ये व्यवहार नहीं है, जो द्रव्य की परिणति है उसको उस रूप कहना ये निश्चय नहीं। कुंजल भाभी ख्याल आ रहा है आपको, क्या कह रही है, उस परिणत जो परिणति है उसको उस रूप कहना, उस रूप कहना निश्चय नहीं, और उसको अन्य द्रव्य की कहना, अन्य द्रव्य की कहना व्यवहार नहीं, तो कोई प्रवृत्ति का नाम व्यवहार नहीं नहीं है, कोई प्रवृत्ति में व्यवहार नहीं नहीं लगता है, प्रवृत्ति का नाम व्यवहार नहीं नहीं है, उस प्रवृत्ति को आप कैसा देख रहे हो, उस द्रव्य से देख रहे हो, अन्य द्रव्य की देख रहे हो तो व्यवहार, समझ में आ रहा है आपको, मैं बोल रहा हूं ये क्रिया किसकी है, शरीर की है, परंतु हम कैसे देख रहे हैं, आत्मा बोल रहा है ऐसा कह रहे हैं ऐसा देख रहे हैं, ये व्यवहार नहीं। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको, प्रवृत्ति का नाम व्यवहार नहीं नहीं है, प्रवृत्ति को आप कैसे देख रहे हो, उस प्रवृत्ति को उस द्रव्य की देख रहे हो तो निश्चय, उस प्रवृत्ति को अन्य द्रव्य की देख रहे हो तो व्यवहार, जिसकी है उसकी देख रहे हो तो निश्चय नहीं, उसको उसकी ना देखकर अन्य द्रव्य की देखना तो व्यवहार। मैं रोटी बना रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं धंधा चला रहा हूं, बोलो रोटी बनाने का काम आत्मा का नहीं है, परंतु मैं रोटी बना रहा हूं, मैं बिजनेस चला रहा हूं, ये कौन से नहीं का कथन है, ये व्यवहार नहीं का,
मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं रोटी बना रहा हूँ, मैं बिजनेस चला रहा हूँ, मैं धंधा कर रहा हूँ, मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैं घर गृहस्थी चला रहा हूँ, ये सब व्यवहार नहीं के कथन है, यह कोई क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है। इसलिए यहाँ पे खुलासा किया, पहला जो पॉइंट है श्रद्धान निश्चय का, श्रद्धान मात्र निश्चय का नहीं, श्रद्धान दोनों का, निश्चय का भी और व्यवहार का। निश्चय नहीं जैसा कहता है वैसा वस्तु का स्वरूप है, सत्यार्थ कथन करता है, ऐसा ही है, ऐसा जानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना। और व्यवहार नहीं जैसा कहता है वैसा स्वरूप नहीं है, ऐसा जानकर उसकी श्रद्धा छोड़ना। उसकी श्रद्धा छोड़ना माने क्या? व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना, यही व्यवहार नहीं की श्रद्धा छोड़ना है। व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना, बस इतना समझो आप, व्यवहार को परमार्थ नहीं मानो। मनुष्य जीव कहा, परंतु जीव को मनुष्य मत मानो। अगर मानेंगे तो मिथ्यात्व का दोष आए, और जीव को मनुष्य कहा तो इसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं, ये व्यवहार नहीं का कथन। कथन बात अलग है और मानना अलग है। मिथ्यात्व मान्यता का दोष है और व्यवहार ने कथन में लगाते, व्यवहार ने कथन में लागू पड़ता है। मनुष्य जीव कहने में कोई दोष नहीं है, वो तो व्यवहार नहीं का कथन। पर अगर हम अपने को मनुष्य मान लेंगे तो इसमें मिथ्यात्व का दोष आएगा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े हम। उसके बाद प्रश्न आया कि शास्त्रों में कहे गए दोनों नयों का ग्रहण करने का क्या अभिप्राय है। देखो फिर से वही चीज यहाँ पे गुमानी राम जी पूछ रहे हैं और फिर से पंडित जी उसका ही यहाँ पे समाधान कर रहे हैं कि शास्त्रों में कहे दोनों नयों को ग्रहण करने का क्या अभिप्राय है। दोनों नयों को ग्रहण करो, उसका क्या अभिप्राय है? तो अभी हमने उसका खुलासा किया। क्या खुलासा किया? कि देखो निश्चय नहीं तो यथार्थ प्रतिपादन करता है, सत्यार्थ प्रतिपादन करता है, सत्य निरूपण करता है, जैसा स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। तो ऐसा जानकर निश्चय नहीं को तो ग्रहण करो, ऐसा जानकर निश्चय नहीं को क्या करो? ग्रहण करो। और व्यवहार नहीं वस्तु का औपचारिक कथन करता है, औपचारिक निमित्त आदि की अपेक्षा से कथन करता है, सहयोग की अपेक्षा से कथन करता है। ठीक है ना? तो ये तो औपचारिक कथन है ना, ऐसा जानना ही व्यवहार नहीं का ग्रहण है, ऐसा जानना ही व्यवहार नहीं का ग्रहण। बस वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है, ये तो औपचारिक कथन करता है, ये निमित्त की अपेक्षा से कथन है, बस ऐसा जानना ये ही व्यवहार नहीं का ग्रहण। ठीक है ना? व्यवहार नहीं का ग्रहण माने क्या? ये औपचारिक कथन है, खरेखर वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है, ऐसा जाना ये ही व्यवहार नहीं का ग्रहण करना है, व्यवहार नहीं की श्रद्धा करना है। दोनों नयों की श्रद्धा करो, दोनों नयों, निश्चय नहीं जैसा कहता है वैसा ही स्वरूप है, ऐसा जानकर उसकी श्रद्धा करो। और व्यवहार नहीं जैसा कहता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, ऐसा जानना ही व्यवहार नहीं की श्रद्धा है। बस ये दोनों नहीं की श्रद्धा कैसे की जाती है, ये इसका हमने खुलासा देखा। अब एक बहुत गजब का प्रश्न किया उसके बाद कि अगर आप कहते हो व्यवहार नहीं असत्यार्थ है, व्यवहार नहीं है ही है, तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग व्रत शील पूजा मंदिर आना बोलो सब छोड़ देंगे? अगर आप व्यवहार ने को हे कह दोगे, व्यवहार ने को असत्यार्थ कह दोगे, तो ये जो सारे लोग है ना, ये क्या कर देंगे? मंदिर आना व्रत शील संयम नियम आदि सब छोड़ देंगे, सबका त्याग करके बैठ जाएंगे। एक तो मंदिर आते नहीं है और ऊपर से आप कहते हो व्यवहार नहीं असत्यार्थ है, व्यवहार नहीं हे है, तो और क्या करेंगे लोग? और स्वच्छंद हो जाएंगे। बोलो प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न क्या किया? व्यवहार नहीं को आप असत्यार्थ कह दोगे तो लोग क्या करने? व्रत शील संयम आदि को छोड़ देंगे। तो पंडित जी ने एक बहुत सुंदर उसके लिए स्पष्टीकरण किया है कि देखो वास्तव में व्रत शील संयम का नाम व्यवहार नहीं है। फिर से एक ही बात आपको पक्की करनी है, कोई व्रत शील संयम आदि की क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है। कोई क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है। शर्मिष्ठा बहन, शर्मिष्ठा जी, समझ में आ रहा है? कोई व्रतशील संयम का नाम व्यवहार नहीं, कोई क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है। तो कहते हैं कि व्रतशील, देखो यहाँ पे कह दिया कि व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग मानना
मोक्ष मार्ग जानना, व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग जानना ये व्यवहार नहीं है। फिर से मैं बोलती हूँ, व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है। पहला वाक्य, कोई क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है, ठीक है ना। दूसरा वाक्य, व्रतशील संयम आदि को उपचार से मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार नहीं है। दूसरा वाक्य बराबर। अब तीसरा, व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग नहीं मानना ये व्यवहार नहीं को छोड़ना है। व्यवहार नहीं को छोड़ना माने क्या? व्यवहार नहीं का त्याग करना माने क्या? व्यवहार को छोड़ना माने क्या? जब कहा ना व्यवहार नहीं असत्यार्थ है, व्यवहार नहीं को छोड़ो, व्यवहार नहीं हे है, माने क्या? व्यवहार नहीं, व्यवहार व्यवहार में धर्म नहीं मानो, बस उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानना यही व्यवहार को छोड़ना है। व्यवहार को छोड़ना माने क्या? व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग नहीं मानना यही व्यवहार को छोड़ना है। मैंने तीन वाक्य बताया अभी, मैं थोड़ा सूक्ष्म हूं इसलिए तीनों वाक्यों को मैं रिपीट कर रही हूँ। तीनों वाक्य में डिफरेंस है। पहला वाक्य कह दिया कि व्रतशील संयम आदि की क्रिया व्यवहार नहीं है, ठीक है ना। उसके ऊपर तो आप चौकड़ी मार दो कि कोई क्रिया का नाम, कोई शुभ परिणाम का नाम व्यवहार नहीं है। दूसरा दूसरा दूसरा, व्रतशील संयम आदि को उपचार से मोक्ष मार्ग जानना ये व्यवहार मोक्ष मार्ग, इसको मोक्ष मार्ग जानना ये व्यवहार, ये व्यवहार नहीं है। व्रतशील संयम आदि को उपचार से मोक्ष मार्ग जानना ये व्यवहार नहीं है। जानना, जानना मात्र जानना, उसका नाम व्यवहार नहीं है। और इसको मोक्ष, सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं मानना, इसको सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं मानना ये व्यवहार को छोड़ना है। व्यवहार असत्यार्थ है, हे है, कब असत्यार्थ है, कब हे है? जब हमने इसको अपनी मान्यता में मोक्ष मार्ग नहीं माना तो हमने व्यवहार को त्याग कर दिया, व्यवहार को छोड़ दिया। अभी कहा था ना, व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना यही व्यवहार को छोड़ना है। बस व्यवहार को, व्यवहार का त्याग माने क्या? कोई कोई प्रवृत्ति को थोड़ी अभी छोड़ना है। व्रतशील संयम आदि, मंदिर जाना थोड़ी बंद कर देना। अगर वो बंद कर देंगे, व्रतशील संयम आदि को उनका त्याग कर देंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? हम अशुभ में चले जाएंगे, हम अशुभ की भूमिका में चले जाएंगे, हम निचली भूमिका में चले जाएंगे, तो उससे भी बुरा हो जाएगा। अस्थि नास्ति से कथन करना, हाँ मैं कर रही हूँ अभी। एक मिनट पहले ये इसका खुलासा कर दूं, पूजा बहन, इसका एक बार अपन इसको पहले एक बार खुलासा कर देते हैं, फिर उसके ऊपर अपन आते हैं। क्या कह दिया? तीन बिंदु वापस मैं बोल रही हूँ। पहला बिंदु कहा कि व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं, ठीक है। दूसरा कहा कि व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग जानना ये व्यवहार नहीं है। बस जाना, उपचार से जाना, क्योंकि अंदर में निश्चय मोक्ष मार्ग है तो भूमिका अनुसार ज्ञानी को ऐसे शुभ भाव आते हैं और उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कह देते हैं, तो इसको कहते हैं व्यवहार नहीं। अब उसको हमने मोक्ष मार्ग, सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं माना ना, नहीं माना, मान्यता में उसको सच्चा नहीं माना, नहीं माना, तो हमने क्या कर दिया? व्यवहार का त्याग, व्यवहार को छोड़ दिया। व्यवहार को छोड़ना माने क्या? माने ये बराबर समझना, व्यवहार को छोड़ना माने कोई क्रिया व्रतशील संयम आदि करना बंद नहीं करना है, बंद नहीं करना है, बस उसको मोक्ष मार्ग मानना बंद करना है, यही व्यवहार को छोड़ना है। समझ में आ रहा है? व्यवहार को छोड़ना माने क्या? उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानना। दोनों का बैलेंस चाहिए, दोनों का बैलेंस हमारी भूमिका में क्या चाहिए कि व्रतशील संयम आदि को छोड़ना भी नहीं है और उसमें मोक्ष मार्ग मानना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं है और उसमें मोक्ष मार्ग मानना भी नहीं है। ये बैलेंस होना चाहिए जीवन में। नहीं समझ में आ रहा है? कि आ रहा है? हाँ, दोनों दोनों चाहिए। उसको छोड़ना भी नहीं है कुंजल भाभी, उसको छोड़ना भी नहीं है और उसमें मोक्ष मार्ग मानना भी नहीं। एक बार आप रिपीट करोगे कुंजल भाभी? क्या कह दिया मैंने? तीन वाक्य रिपीट करोगे? पहला वाक्य क्या कहा भाभी, बोलिए। हाँ कोई बात नहीं, पहला कहा ना कि व्रतशील संयम आदि क्या नहीं है, व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, व्यवहार नहीं है ना, क्योंकि कोई क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है। बराबर भाभी, क्लियर? कोई क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है, है ना। अब दूसरा वाक्य क्या कहेंगे अपन?
कि वृक्षशील संयम आदि को उपचार से मोक्ष मार्ग जानना ये क्या है, तो कहते ये व्यवहार नहीं है ना। और तीसरा इसको मोक्ष मार्ग नहीं मानना, बस मान्यता में सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं मानो, तो क्या कर दिया हमने, व्यवहार को छोड़ दिया, व्यवहार का त्याग कर दिया। बराबर कि नहीं, क्लियर? तीन वाक्य समझ पाया, तीनों अलग कर दिया अपन ने, ठीक है ना। अब ये दोनों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, वृक्षशील संयम आदि को छोड़ना भी नहीं है और वृक्षशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग मानना भी नहीं है। मानना भी नहीं, मानेंगे तो मिथ्यात्व का दोष आएगा, और वृक्षशील संयम आदि को छोड़ देंगे तो छोड़ना भी नहीं है ना। मेरे से एक बार कौन बोलेगा, दो पॉइंट बताया ना अभी, दो पॉइंट क्या बताया पूजा बहन, बताओगे? वृक्षशील संयम आदि को छोड़ना भी नहीं और कोई क्रिया का नाम व्यवहार नहीं लीजिए, पहली बात, कोई क्रिया का नाम, उस क्रिया को उपचार से मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार नहीं है, और उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानना यही व्यवहार को छोड़ना है। बोलो, व्यवहार का त्याग करो, बस अपनी मान्यता में उसको धर्म मत मानो, मोक्ष मार्ग मत मानो, उसमें संतुष्ट नहीं हो जाओ धर्म मान के, बस यही श्रद्धान करना यही व्यवहार को छोड़ना है। एकदम सरल हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, फिर एक प्रश्न किया कि भाई तो जब व्यवहार नहीं असत्यार्थ है तो इसका शास्त्रों में इतना निरूपण क्यों किया है, करणानियों के शास्त्रों में, चरणानियों के शास्त्रों में ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसे कर्म बंधेंगे। बोलो, मैं कर्म को बांधता हूँ, मैं नरकायु को बांधता हूँ, मैं निज गोत्र को बांधता हूँ। बोलो, 70 कोड़ा कोड़ी का बंध ये जीव करता है। बोलो, ये सब कथन आते हैं कि नहीं, व्यवहार नहीं किया करणानियों के शास्त्र में सारे कथन आते हैं, तो ये कहा, ये सारे कथन तो आते हैं, जीव कर्म को बांधता है ये व्यवहार नहीं का कथन है, परंतु अगर हम ऐसा मानेंगे कि मैं कर्मों को बांधता हूं, मैं कर्मों को करता हूं, तो ये मानेंगे तो मिथ्यात्व का दोष है, क्योंकि आत्मा कर्मों को करता नहीं। बोलो, कर्मों को बांधता है ऐसा कहना ये व्यवहार नहीं का कथन है, और कर्म मुझे दुखी करते हैं, कर्म मुझे भाई रुलाते हैं, कर्म के कारण मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं, ऐसी मान्यता ये मिथ्यात्व का कथन है। कर्म के उदय के कारण से नरक में गया ये कहना ये व्यवहार नहीं का कथन, परंतु कर्म के कारण से मैं दुखी हूं बोलो ये मानना ये मिथ्यात्व। कहते ना, कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकार। व्यवहार नहीं के कथन ऐसे ही होते हैं, व्यवहार ने ऐसा ही कथन करेगा निमित्त की अपेक्षा से, सहयोग की अपेक्षा से, परंतु खरे खर मैं कर्मों का करता नहीं हूं और कर्म मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे कहा कि ऐसा, तो ये तो म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना पड़ता है ना, आठवीं गाथा, अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाना पड़ेगा, क्योंकि उसको उसकी भाषा के बिना उसको वो समझा नहीं पाएंगे, उस चीज को समझा नहीं पाएंगे। आठवीं गाथा में स्वस्ति का दृष्टांत दिया, म्लेच का दृष्टांत दिया, स्वस्ति शब्द बोला तो कुछ समझ में नहीं आया, परंतु जा अर्थ किया कि तेरा अविनाशी कल्याण होगा ऐसा कहा तो उसको सब समझ में आ गया। ऐसे किसी व्यक्ति को भाई पता ही नहीं आत्मा कौन है, तो आत्मा 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 करते रहो, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उसको कैसे समझाएंगे, भेद से समझाएंगे, संयोग से समझाएंगे। भेद के बिना हम परमार्थ को समझ नहीं सकते, व्यवहार नहीं के बिना हम परमार्थ को समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे कहा कि व्यवहार नहीं असत्यार्थ कथन करने पर भी यहाँ पे कहा कि जिना गम्य उसका प्रतिपादन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि बिना व्यवहार नहीं के हम परमार्थ को समझ नहीं सकते हैं। प्रश्न किया ना, जबकि व्यवहार ने असत्यार्थ कथन करने वाला होने से उसका श्रद्धांत छुड़ाया जाता है, तब फिर जिनवाणी में उसका प्रतिपादन ही क्यों किया गया है? क्योंकि बिना व्यवहार नहीं के हम परमार्थ को समझ नहीं सकते। समझने के लिए व्यवहार नहीं जरूरी,
और अंदर में समाने के लिए निश्चय नहीं जरूर, निश्चय नहीं के बिना हम अंदर में समा नहीं पाएंगे और व्यवहार नहीं के बिना हम परमार्थ को समझ नहीं पाएंगे ना। दो वाक्य क्या कह दिया, व्यवहार नहीं के बिना हम परमार्थ समझ नहीं पाए और निश्चय नहीं के बिना हम अंदर में समा नहीं पाए। अंदर में समाना है ना, तो क्या करो, तो कहते हैं कि भाई अंदर में समाना हो तो व्यवहार का त्याग करो, और समझना है वस्तु को समझना है तो व्यवहार का अंगीकार, व्यवहार का आश्रय लो, व्यवहार का आश्रय लो, क्योंकि व्यवहार क्या करता है, भेद से अभेद को बताता है। इसलिए यहाँ पे एक बताया कि भाई हमने तीन पॉइंट देखे थे ना, संयोग से असहयोगी का कथन, भेद से अभेद का कथन, और भाई व्रतशील संयम आदि से अंदर के वितराग भाव का कथन होता है, समझाया जाता है। ठीक है, व्यवहार क्या करता है, परमार्थ को बताता है। इसीलिए व्यवहार नहीं को जिनागम में स्थान दिया गया है। व्यवहार को जिनागम में स्थान इसीलिए दिया गया है क्योंकि व्यवहार से ही हम परमार्थ तक पहुंच सकते हैं, परमार्थ को समझ सकते हैं। यहाँ पे एक दृष्टांत दिया है गंगा नदी का। उसके बाद एक प्रश्न है, व्यवहार नहीं निश्चय का प्रतिपादक कैसे है, व्यवहार नहीं निश्चय का प्रतिपादन कैसे करता है, कैसे करता है? तो एक गंगा नदी का एक दृष्टांत देकर समझाया कि जैसे हिमालय पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हजारों किलोमीटर लंबी गंगा नदी की लंबाई तो क्या चौड़ाई भी हम अपनी आंखों से देखने में समर्थ नहीं है, अतः उसकी लंबाई चौड़ाई का प्रवाह का परिज्ञान करने के लिए हम उस संबंधी नक्शे का आश्रय लेना पड़ता है। नक्शे के माध्यम से हम उसकी संपूर्ण जानकारी पा सकते हैं। ठीक है ना, नक्शा, नक्शा जो गंगा का नक्शा देखते हैं ना, मैप देखते हैं हम वास्तव में वो गंगा तक अभी नहीं जा पाए, तो हमें अगर गंगा को समझना है तो हम कैसे समझेंगे, मैप से, डायग्राम से, चार्ट से, है ना, उसके पिक्चर से हम उस गंगा नदी को समझेंगे कि गंगा नदी इतनी गहरी है, इतनी चौड़ी है, इतनी लंबी है, इतनी मोटी है, तो पूरा चार्ट से समझे बराबर। परंतु मुझे ये बताओ कि उस डायग्राम में, उस मैप में जो गंगा नदी है, क्या उससे हमारी प्यास बुझेगी कि नहीं, क्या हमारी प्यास बुझ सकती है कि नहीं उस गंगा नदी से, उस गंगा नदी के आश्रय से? कहते नहीं बुझ पाए। ऐसे कहते हैं ये गंगा नदी जो चार्ट में देखी ना, ये चार्ट में जो गंगा नदी देखी वो एग्जैक्टली नक्शे में जो गंगा नदी है वो व्यवहार नहीं का कथन है। हम जो गंगा नदी जो चार्ट में भाई उससे हम सच्ची गंगा को समझते हैं ना, ये व्यवहार नहीं का कथन है, ये व्यवहार नहीं का कथन है बराबर। परंतु उस चार्ट की गंगा से हम अपनी प्यास नहीं बुझा पाएंगे। ऐसे ही व्यवहार के आश्रय से क्या नहीं हो सकता है, आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। आत्मा की अनुभूति के लिए किसका आश्रय करना पड़ेगा, निश्चय नहीं का आश्रय करना पड़ेगा। सच्ची प्यास बुझाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, वो सच्ची गंगा के पास जाना पड़ेगा, सच्ची गंगा के पास, है ना। ऐसे वो चार्ट की गंगा से हम सच्ची गंगा को समझ तो सकते हैं परंतु उस चार्ट की गंगा से प्यास नहीं बुझा पाएंगे। ऐसे कह रहे हैं कि वो चार्ट की गंगा व्यवहार नहीं जैसी है, वो व्यवहार नहीं के स्थान पर है। ठीक है ना, व्यवहार नहीं से हम आत्मा को समझ तो पाएंगे परंतु हम व्यवहार नहीं के आश्रय से आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, आत्मा की अनुभूति नहीं करवाएंगे। इसलिए आत्मा की अनुभूति करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, परमार्थ का ही आश्रय लेना। ठीक है, क्लियर। बराबर, यहाँ पे गंगा नदी का दृष्टांत देकर हमें यहाँ पे समझाया कि भाई व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन कैसे करता है, व्यवहार निश्चय तक कैसे पहुंचाता है। अब मैं एक अंतिम बात आज की कहकर अपन पूरा करेंगे। कल मैंने कहा था कि सराग सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व, सराग सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व, सराग सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व, दो सम्यक्त्व की बात की थी, है ना, दो सम्यक्त्व की बात की थी ना, सराग सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व। सम्यक्त्व का निरूपण, सम्यक्त्व का निरूपण राग के तरफ से कर किया, राग की ओर से सम्यक्त्व का परिचय दिया। जो 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 लिखा ना सराग सम्यक्त्व, उसमें परिचय किसका देना है, सम्यक्त्व का परिचय देना है, परंतु किसकी ओर से दे रहे हैं, राग की तरफ से दे रहे हैं। इसलिए कह दिया सराग सम्यक्त्व,
राग का आरोप सम्यक्त्व पे देकर उस सम्यक्त्व को कह दिया सराग सम्यक्त्व, ठीक है ना। जैसे इसके नीचे आप लिखना एक एग्जांपल, घी का घड़ा, घड़े का परिचय देना है, घड़े का परिचय तो किसके तरफ से दे रहे हैं, घी के तरफ से। घड़ा किसका, घी का, घी का घड़ा। ऐसे सम्यक्त्व कैसा है, तो कहते सराग सम्यक्त्व, सराग सम्यक्त्व, घी का घड़ा बराबर सराग सम्यक्त्व। सम्यक्त कैसा, सराग माने राग का आरोप सम्यक्त पर देकर सम्यक्त का परिचय कराया कि भाई ये सराग सम्यक्त है, बराबर। अब सम्यक्त राग वाला नहीं है, परंतु सम्यक्त के साथ राग रहता है ना, इसलिए वो सम्यक्त के ऊपर राग का आरोप देकर उस सम्यक्त को कह दिया सराग सम्यक्त। फॉर एग्जाम्पल घी का घड़ा, फॉर एग्जाम्पल घी का घड़ा। अब आगे व्यवहार सम्यक्त्व, अब यहाँ पे परिचय देना है राग का, परिचय देना है राग का, राग के ऊपर सम्यक्त्व का आरोप देकर उस राग को, उस देह शास्त्र गुरु की श्रद्धा के विकल्प को व्यवहार सम्यक्त्व कहा गया। राग के ऊपर, उस विकल्प के ऊपर सम्यक्त्व का आरोप दिया। फॉर एग्जाम्पल घड़े का घी, वहां पे कहा था, वहां पे कहा था घी का घड़ा, और यहाँ पे कहा घड़े का घी, घड़े का घी। यहाँ पे परिचय देना है घी का, वहां पे परिचय देना था घड़े का, क्या कह दिया घी का घड़ा और घड़े का घी, घड़े का घी। घी का परिचय देना है तो हमने कह दिया घड़े का घी, और घड़े का परिचय देना है तो हमने कहा घी का घड़ा। सम्यक्त का परिचय देना है तो हमने कह दिया सराग सम्यक्त, और राग का परिचय देना है तो हमने कह दिया व्यवहार सम्यक्त। राग के ऊपर सम्यक्त का आरोप देकर उस राग को कह दिया व्यवहार सम्यक्त, और यहाँ सम्यक्त का परिचय देना है तो सम्यक्त के ऊपर राग का आरोप देकर उस राग को कह दिया उस राग को कह दिया व्यवहार सम्यक्त। एग्जाम्पल क्या है, एक में कह दिया घी का घड़ा और एक में कह दिया घड़े का घी, घड़े का घी में परिचय देना है घी का, घी का तो घड़े का घी, और घी का घड़ा तो उसमें परिचय देना है घड़े का, घड़े का, घड़े का, तो घी का घड़ा, घी का घड़ा, ठीक है ना। घड़ा हाईलाइट करो, घड़े को हाईलाइट करो, ऐसे सराग सम्यक्त में सम्यक्त को हाईलाइट करो। तो राग का आरोप सम्यक्त में देकर, राग का आरोप सम्यक्त पर देकर उसको कह दिया सराग सम्यक्त, और उसमें व्यवहार सम्यक्त में राग का परिचय देना है तो सम्यक्त का आरोप राग पर देकर देश शास्त्र गुरु की श्रद्धा का विकल्प, सात तत्व की भेद रूप श्रद्धा, इसके ऊपर सम्यक्त का आरोप देकर व्यवहार सम्यक्त ऐसा कहा गया, ऐसा कहा गया ना। ऐसे हमने कल ये दो कथन किए थे, सराग सम्यक्त और व्यवहार सम्यक्त। आज हमने यहाँ पे जो प्रश्न सब उठाए हैं उसकी चर्चा हमने की कि भाई हमने ये सारे प्रश्न लिए। एक बार फिर से हम जब वापस कल मिलेंगे इसमें और खुलासा हम कल करेंगे, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, और ये सारे प्रश्नों का खुलासा हम कल फिर से जब मिलेंगे तब एक बार हम वापस करेंगे, और हम नए एक विषय के साथ कल वापस मिलेंगे। हाँ चिरेन भाई, प्रश्न है? नहीं प्रश्न नहीं है एक्चुअली। अभी फ्राइडे सैटरडे संडे को हमारे सीवाएफ की चैतन्य धाम के युवा भाई बहनों की एक शिविर है जो शाश्वत धाम है, तो उसके कारण आज सिमी बहन और काफी लोग इधर से एब्सेंट भी है, वो एक्चुअली हम भूल गए थे, तो हमारी अगली कक्षा मंडे को ही रखनी पड़ेगी क्योंकि उन सबका फोन भी आया था बाद में, तो ये सोमवार को, क्योंकि वो सब आज एब्सेंट हो गए, तीन चार लोग, कल्पना बहन काफी लोग एब्सेंट हो गए, तो अगली कक्षा मंडे को रखेंगे क्योंकि आदरणीय शैलेश भी पंडित जी के साथ अभी काफी 200 बच्चे गए इसलिए शाश्वत धाम में। ठीक है, चिन्हवाणी स्तुति में शेयर करता हूँ। हे चिन्हवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सुपावे सुख चैन, जावाणी ज्ञान दे सूझे लो कालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।
यूट्यूब में भी सब सुन रहे, इसलिए खास अनाउंसमेंट है कि आदरणीय शैलेश जी के प्रवचन भी वस्त्रापुर मंदिर में मंडे से हो गए और ये कक्षा भी सोमवार से चालू होगी। जय जी नेत्र, जय हो सर्वराज, नो जय हो, जय हो अनंत अनंत कृपाधिकारी गुरुदेव, नो जय, जय शासन जयंद्र, नमो जय।